देखिए, अनेकों मंत्र मिलेंगे आपको, अनेकों मंत्र, यानी इस ब्रह्मांड में आपको कई सारे मंत्र हैं जो सबसे शक्तिशाली भी माने जाते हैं, और जिनका उपयोग करना आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। लेकिन इसको किस समय जपा जाए, किस तरह से जपा जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, जिसको जपने से कि हमारे हर कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इस वर्तमान युग में हर कार्य सिद्ध हो जाए, ऐसा कोई मंत्र है क्या? अब देखिए मंत्र पे जब आपकी अगर मंत्र कोई बोलता भी है तो आपका सीधा ध्यान जाता है कि किसी प्रकार की शक्ति है, कोई ऊर्जा है जिसको सब कम समय में हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है मंत्र। आखिरकार मंत्र को सिद्ध कर दिया जाए कम समय में, यानी उसको 1 लाख बार, 1.25 लाख बार, 1.5 या 2.25 लाख बार, कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो जिनकी मात्रा दी जाती है कि इतनी लाख बार अगर इनको जपा जाएगा तो वे सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको मंत्र सिद्ध करना है तो ये मान के चलिए कि उसका कोई दिशा निर्देश होना बहुत ज़रूरी है, यानी किसी का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपने यह नहीं कि आपने किसी ग्रंथ में देखा, उसे पढ़ा और आपने वो प्रक्रिया करनी शुरू कर दी। देखिए, ये तो आप अपने स्वयं के स्तर पर करते हैं, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी होना किसी व्यक्ति को वह बेहद जरूरी होता है, यानी गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी मंत्र उठाएं और उन्हें पढ़ने लग जाए, उनको सिद्ध करने लग जाए अपनी स्वयं की सांसारिक मनोकामना के लिए, ये गलत होता है। आप उसको उसकी जानकारी पहले भरपूर मात्रा में ले कि अगर ये सिद्ध भी होता है तो आपके साथ क्या घटित हो सकता है, इस बीच इन दिनों के दौरान आपको क्या क्या महसूस होगा, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और अगर सिद्ध हो जाता है तो हमें क्या इस प्रक्रिया करके इस करना चाहिए ताकि इसको पूर्णतः हमको अच्छा रिजल्ट मिले, ये आपको बहुत जानकारी होना इसके लिए बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र बताया गया है, देखिए मैं ये बात पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कई सारे मंत्र जपे होंगे, हनुमान जी का लेके श्री राम और कृष्ण गोपाल, मगर सच्चा भक्त वही है, मान के चलिए सच्चा भक्त वही है जिसको सत्य का अनुभव हो गया है। सत्य क्या चीज़ है? सबसे बड़ी बात यही होती है कि मंत्रों के द्वारा आपको सही चीज़ का ज्ञान हो जाना। ये मान के चलिए कि आप कोई मंत्र जप रहे हैं, कोई भी मंत्र जप रहे हैं, मगर आपको एहसास हो जाता है इस चीज़ का, यानी आपको आत्म अनुभूति हो जाती है कि आपको करना क्या है, आखिरकार आगे चल के अपने जीवन में एक गूढ़ रहस्य, गूढ़ लक्ष्य होता है जो छुपा हुआ रहता है कि आपको अंतिम समय में प्राप्त क्या करना है, जो आपका अंतिम लक्ष्य माना गया है वो चीज़ का ज्ञान करा दे, तो ये मान के चलिए वे मंत्र सबसे उत्तम है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई मंत्र गलत है या सभी मंत्र गलत है। देखिए, शाबर मंत्र अलग होते हैं और सात्विक मंत्र अलग होते हैं, जो कोई तुलसी माला से जपे जाते हैं, कोई रुद्राक्ष माला से जपे जाते हैं, मगर ये मान के चलिए कि आपको उस चीज़ का प्रयोग करना भली भांति आना चाहिए। सांसारिक मनोकामना के लिए आप को ये करना तो नहीं चाहिए, मगर काफ़ी भक्तगण ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ मनोकामना लिए और अपनी मनोकामना लिए हुए वे करते जरूर है उस चीज़ को सिद्ध करने के। मैं आपको बिल्कुल सरल मंत्र बताऊंगा, मंत्र भी इसको कहे या फिर कुछ और चीज़ समझे, क्योंकि ये एक तरह की अनुभूति की चीज़ है, इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको महसूस किया जा सकता है, इसको आप केवल बोलकर जाप कर नहीं, इसको अनुभव का आपको करना पड़ेगा, इसके प्रति समर्पण भाव रखना पड़ेगा, तब आपको उस परम पिता परमेश्वर का गूढ़ ध्यान रहस्य आपको पता चलेगा और वह आपके सामने स्वतः प्रकट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर से आत्मज्ञान उभर आ जाएगा, सत्य का पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, अब इस जीवन में क्या है, सत्य क्या है और झूठ क्या है, इसका आप सही फैसला ले पाएंगे कि सही किसके अंदर ज़्यादा अपना यानी मोह डालना चाहिए, अर्थात मोह जिसके अंदर अपना जी फंस जाता है कभी कभी कि ये चीज़ लालसा हो जाती कि ये हमें पाना चाहिए, ये नहीं, इन्हें छोड़ देना चाहिए, पर्टिकुलर ऐसी चीज़ों का आपको बिल्कुल सटीक रूप से ध्यान हो जाएगा। अब देखिए, जो शक्तिशाली मंत्र बताए गए, देखिए आप भले ही श्री राम जी का कोई मंत्र ले लें,
हनुमान जी का कोई मंत्र ले लें, या फिर इसके अलावा अन्यत्र कई सारे देवी देवता हैं उनके मंत्र लें। मगर इनमें मेरा मानना तो ऐसा है कि इसकी सही जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार होता है कि ये मंत्र क्या होते हैं कि कभी कभार मनुष्य में विकार उत्पन्न कर देते हैं। अब विकार का मतलब आप समझिए, इस अब की बार में जो विकार की बात कर रहा हूँ वो आंतरिक विकार की नहीं है, बाह्य विकार की मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान रखें। बाह्य विकार यानी कभी किसी को विकलांगता आ जाना, कभी किसी में पैरालिसिस हो जाना, ऐसी भी बातें हो सकती है अगर आप में अगर आंतरिक सुधार नहीं हुआ तो। मान के चलिए कैसे कि अब देखिए, आपने जैसे कि श्री राम जी का मंत्र ले लिया और उसे जपने सिद्ध करने लग गए आप, अपने आप में उसे सिद्ध करने लग गए, सिद्ध करने लगे, मगर आप आपकी मनोवृत्ति कैसी है कि आपका ध्यान कभी उधर जा रहा है कि उस चीज़ पे, उस गाड़ी पर जा रहा है, कभी उस लड़की की ओर ध्यान जा रहा है, कभी फलाने की ओर ध्यान जा रहा है, कभी ये जा रहा है, तो आप में भी विकार है। पूर्ण रूप से आप स्वच्छ नहीं हुए, पवित्र बिल्कुल नहीं हुए, ध्यान रखें। अगर ये मनोवृत्तियाँ लेकर आप पर्वों का नाम स्मरण, उन मंत्रों का जाप करने लगेंगे तो मान के चलिए आप में कुछ ना कुछ विकार आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे भी आगे सिद्ध होने की कोशिश करेंगे तो ये विकार रोकेंगे आपको, इसलिए कुछ ना कुछ आप में त्रुटियां आ सकती है। इसलिए सर्वप्रथम आप धीरे धीरे करके अपनी इन त्रुटियों को सुधार करने की कोशिश करें, इन आंतरिक विकारों को समाप्त करने की कोशिश करें, इनका मार्ग खोजें कि इनको कैसे मैं शांत कर सकता हूँ, इनको कैसे मैं ख़त्म कर सकता हूँ, या फिर किस तरह से मैं इनको कम कर सकता हूँ, इस चीज़ पे ध्यान दें। मंत्रोच्चारण का आप उसे सिद्ध भी कर सकते हैं, उसमें फिर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए जब आप एक बार भी नाम लोगे ना तो वो एक लाख बार, एक करोड़ बार गिना जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है एक समय में कि रोम रोम में आपके वह नाम जब नाम बस जाता है, रोम रोम में, जैसे कि हनुमान जैसा भक्त नहीं रहा अभी तक इस दुनिया में, बाकी काफ़ी सारे उदाहरण है काफ़ी, मगर ऐसा आप पे एक समय आ जाएगा कि आप वो एक बार नाम लेंगे और आपके करोड़ों बार वो गिना जाएगा। तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा वह चीज़, आपको आंतरिक सुधार करना पड़ेगा, आप में अपनी चंचलता को ठहराव लाना पड़ेगा, शारीरिक चंचलता, मानसिक चंचलता, वो कोई एक चीज में ठहराव होना बहुत जरूरी, आंतरिक मौन होना बहुत जरूरी उसके लिए। इसलिए इस सबसे शक्तिशाली मंत्र को आप जपा करें। सबसे शक्तिशाली मंत्र मतलब आपके लिए कोई भी हो सकता है, मैं पर्टिकुलर एक देवता के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि श्री हरि के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, क्योंकि इस संसार में अनेकों भक्त हैं, अनेकों साधक हैं जो अलग अलग देवताओं प्रभु को मानते हैं कि मैं इनका रूप जपता हूँ, मैं महादेव का रूप में उनको स्वीकार करता हूँ, मैं श्री राम के रूप में उनको स्वीकार करता हूँ भगवान। तो अभी ऐसा है, वे तो आप उनका नाम लें, उनके मंत्रों का स्मरण करें, धीरे धीरे प्रभु की असीम कृपा रहेगी तो वे आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे। और मान के चलिए अगर आपके पास गुरु नहीं है तो वे आपके लिए परमपिता परमेश्वर गुरु की व्यवस्था कर देंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा। देखिए मैं अपने स्वयं का उदाहरण दे देता हूँ आपको, मैं और किसी की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ यहाँ पर, कि आज के दो साल पहले, दो या ढाई तीन साल पहले मेरे पास गुरु नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी मेरे पास कोई गुरुदेव नहीं। उससे पूर्व मुझको छः महीने या फिर साल भर पूर्व मुझ में ऐसा हुआ कि मुझे गुरु चाहिए, अभी गुरु का मुझे मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तरह तरह के मंत्र जाप करके परेशान हो चुका था कभी। अब देखिए मैंने शुरुआत कहाँ से करी, मैंने शुरुआत प्रभु श्री हरि से करी, उनके मंत्र जाप किया, फिर मंत्र जाप के बाद में आया माता जी कि माता जी पूरी इस प्रकृति की, इस पूरी पर्यावरण की देवी है, तो उनके प्रति मैं आ गया। फिर बाद में फिर भी मुझको संतोष नहीं मिला, जो आंतरिक संतोष होना चाहिए ना, जो स्वयं को संतोष प्राप्ति या आत्मा को शांति होने लग जाए कि अब मैं बिल्कुल सही दिशा में हूँ, अब मुझको कोई चिंता नहीं है। फिर भी मैं सोच रहा था नहीं, कोई चीज़ 100% कमी है अपन में, बिल्कुल कमी है, जो अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। तो आप मान के चलिए
छः महीने में या फिर 8 या 9 महीने में ऐसी व्यवस्था हुई कि गुरु के मार्गदर्शन, प्रभु की असीम कृपा से गुरु के चरणों में मैंने अपना नतमस्तक कर दिया, यानी मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई जैसे तैसे कर गए। और वे भी प्रभु की भक्ति किया करते, और असीम गुरु ऐसे गुरुदेव सबको मिले, मैं तो ऐसी कामना करता हूँ। क्योंकि सही मार्ग बताना गुरु का कर्तव्य होता है, और सही मार्ग को चुनना एक शिष्य का कर्तव्य होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इतनी कृपा हुई प्रभु की दया से, तो आप भी मान के चलिए, जब भी आपको गुरु की कृपा ऐसे कमी आने लगे कि अब आपका होना चाहिए, तो प्रभु आपके लिए स्वयं रास्ते बनाएगा, स्वयं रास्ते बनाएगा। क्यों? प्रभु से जब भी आप कोई चीज़ मांगने लग जाते हैं, तो वो धीरे धीरे व्यवस्था करने लग जाता है। इसलिए उन्होंने भी हमको मंत्र बताए, हमने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं जो इस माया से परे हैं, आदि अनादि काल से चलते आ रहे हैं मंत्र, जिनका आप स्मरण करें। और जो सांसारिक माया में, सांसारिक मोह माया यानी मनोकामनाओं में आप कोई आपकी तृष्णा है, आपको कुछ चाहिए, तो उनके लिए भी है, आप करें उन चीज़ों को। क्योंकि हमने काफ़ी सारे ऐसे मंत्र बता रखे हैं, मगर जो निराकार मंत्र है जो पूरी सृष्टि में घुला हुआ है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की हुई है। अर्थात ये श्वासों का जाप है, मैं आपको बता रहा हूँ, श्वासों का जाप ये सबसे उत्तम है। आपको असीम शांति मिलेगी, असीम शांति। और आपको अगर और ज़्यादा ज्ञान चाहना है, ज्ञान चाहिए, तो मेरा कहना आप माने, तो आप ऐसा करें कि आप ग्रंथों का सहारा लें, यानी शुरुआत करें आप भागवत गीता से, उसे पढ़ने लगे, उसका एक अध्याय रोज पढ़ें। और मेरा मानना है कि अध्यात्म यानी भागवत गीता का यानी पूरा निचोड़ उसके 18वें अध्याय में मिलेगा आपको। उसका 18वां अध्याय आप रोज करें, उसमें कोई हानि नहीं होगी। भागवत गीता का आप 18वां अध्याय रोज करना लग जाए, आपको रोज उसमें इतना कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा, इसलिए मैं आज का वीडियो यहाँ ही समाप्त करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सवाल। देखिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र, काफ़ी सारे वीडियो हैं, वो इसमें भी मेरे इशारा कर दिया है, तो आप जाने इसको।